दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ को हमारे रहने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति को तैयार करती है। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हम लोग अपनी इस अर्थ पर रह पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं नितेश और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड रोचक तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो उसे ग्रीन हाउस गैसेज से गुजरना पड़ता है, और वह सनलाइट अर्थ से वापस लौटता है तो यही ग्रीन हाउस गैसेज आधी प्रकाश को रोक लेता है और एक अनुकूल टेम्परेचर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यह जो प्रोसेस है वह पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। अगर दोस्तों हमारी अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती और सनलाइट वापस लौट जाती तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम अर्थात माइनस में हो सकती है और अर्थ पर आज की तरह जीवन संभव नहीं होती। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ पर एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने रखती है, जो हमारे लिए एक अनुकूल परिस्थिति को बनाती है। दोस्तों, यह प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इस प्रोसेस के अर्थ ह्यूमन के रहने लायक योग्य भूमि नहीं होती। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती और सभी जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान होती, जैसे कि आज के मंगल ग्रह की तरह। हालांकि बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा ज़्यादा ही वार्मिंग के कारण हमारे अर्थ पर ह्यूमन, प्लांट और एनिमल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। दोस्तों, आज की कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करती है और ये गैसें एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, इस छोटे से बदलाव से हमारे इस सुंदर से प्लेनेट पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, आज फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल्स और नेचुरल गैसों का दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रही है, जो हमारे टेम्परेचर को दिन पर दिन बढ़ा रही है। और दोस्तों, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है जो इन गैसों को कम करती है और हमारे लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन देती है। दोस्तों, आज हम लोगों के द्वारा ऐसे गैसें भी प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका रिसाइकल संभव नहीं है। ये गैसें हमारे फ्रिज और फैक्ट्रियों में फोम प्लास्टिक बनाने से निकलती है। इन गैसों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। इसे ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसों भी बोला जाता है। दोस्तों, हम लोग को इन सारी एक्टिविटी पर कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में हमारे अर्थ हमारे रहने लायक योग्य नहीं होगी।